सभी अपने पदाधिकारी सेवापुर के डॉक्टर और सभी पदाधिकारी और उपस्थित सभी बहनों भाइयों, आज सेवापुर के माध्यम से ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की जा रही है और ये विषय हमारे दिमाग में तब आया जब एक रात को एक पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा था। मुंबई से मुझे उनका मैसेज आया, उनकी बेटी का मैसेज आया। मैं भी बाहर था, मैंने कन्हैया को कहा कि कन्हैया कुछ अपन मदद कर सकते हैं तो देखो। और उनको रात को 2 बजे जब बेड नहीं था और सुबह बेड उपलब्ध होने वाला था तो कन्हैया ने अपने कार्यकर्ताओं के घर भेजे और जो अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे उसका उपयोग करते हुए उनको रात को ऑक्सीजन लगाया और फिर सुबह उनको बेड उपलब्ध कराया और उस दिन उनकी जान बची। और तब मेरे दिमाग में आया कि एक बहुत अच्छा उपक्रम है, कुछ सिलेंडर्स के भरोसे आज कितने लोगों को हम लोग ऐसे क्रिटिकल समय पर बचा पा रहे हैं। दूसरा ध्यान में आया कि कुछ लोग ये क्रिटिकल होने के बाद बाहर आते हैं, घर में जाते हैं और उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के लिए अगर वो एडमिट रहे तो बहुत पैसा भी लगता है, एक बेड भी उसके लिए ऑक्यूपाइड रहता है और इसलिए ऐसे पेशेंट्स को अगर हम स्टेप डाउन पेशेंट जिसको कहते हैं उनको अगर हम घर में भी ये व्यवस्था दे पाए तो हम लोगों का पैसा भी बचा सकते हैं और जो बेड्स की उपलब्धता है उसको भी बढ़ा सकते हैं। उसी के चलते हम लोगों ने फैसला किया कि ऑक्सीजन बैंक हम लोग तैयार करेंगे और सेवांगपुर ही उस बैंक को चलाएगा। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने ये जो ऑक्सीजनेटर्स है ये यूएसए से इंपोर्ट किए हुए हैं। ये बहुत हाई क्वालिटी इस प्रकार के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है, प्योरिटी भी इसकी बहुत अच्छी है और ऐसे ये 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमने तय किया कि हमारे आदरणीय नेता नितिन जी इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग इस बैंक की शुरुआत करेंगे। क्योंकि हम सबने देखा कि इस पैंडेमिक में जिस प्रकार से नितिन जी ने कार्य किया, सेवा की, उसके चलते बहुत अच्छे परिणाम भी हमको देखने को मिले और इसलिए आज उसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। मैं पांडे जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये जगह पहले दिन से उपलब्ध कराई और उसी के कारण चाहे फिर वो हमारी एम्बुलेंस हो, चाहे ये ऑक्सीजन बैंक हो, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग संचालित कर पाए। तो विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ सेवांगपुर के हमारे डॉक्टर्स का और मेडिकल स्टूडेंट्स का कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके लोगों का काउंसलिंग भी किया, हौसला भी बढ़ाया और सही सलाह भी दी और साथ साथ उनको बेड्स भी दिलवाए और उसके साथ साथ हमारे युवा मोर्चा और आईटी सेल के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता है इन्होंने भी उनके साथ मिलकर ये सारा संचालित करते हुए और ग्राउंड पर भी बहुत अच्छा कार्य किया। हमारे मेडिकल सेल ने अच्छा कार्य किया और इसके कारण एक टीम के स्वरूप में यहाँ कई लोग ऐसे हैं कि जिनके नाम मैंने लेना चाहिए लेकिन अभी मैं सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक टीम के स्वरूप में बहुत अच्छा कार्य हुआ। और मैं कन्हैया से बात कर रहा था तो मुझे इस बात का समाधान है कि 5000 से भी ज्यादा लोगों को क्राइसिस के समय हम लोग इस व्यवस्था से मदद कर पाए और उनमें से कई लोगों की जान उसके कारण बची। मुझे लगता है कि पैंडेमिक में एक अच्छा कार्य सेवांगपुर की इस हेल्पलाइन के माध्यम से, एम्बुलेंसेस के माध्यम से और सही व्यवस्थाओं के माध्यम से यहाँ पर हुआ है
मैं शिवंकुर का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और फिर एक बार हम सभी की ओर से हमारे नेता आदरणीय गडकरी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये ऑक्सीजन बैंक ये आज से शुरू हो रही है, इस प्रकार की घोषणा करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ।